बाराबंकी जाना है। कोई तो हॉर्न नहीं हो रहा है, पीछे हॉर्न दे रहा है, इतना हरामी बच्चा पैदा किए हैं। ऑल सेट, अब यहाँ से बस खाली निकलना है, लेट्स गो। लो अपनी नीलिमा के ग्लव्स। पहले वाला सेटअप तो उसकी आदत पड़ गई थी, इसकी आदत नहीं ना, तो इसमें बार बार ऐसा कैमरा लगाओ। तो ये था यहाँ का कुछ सिनेरियो, इतनी सारी बाइक्स थी यहाँ पे, हमारी खड़ी है सबसे किनारे क्योंकि सबसे लेट हम ही आए थे। अभी उधर फोटोशूट चल रहा है हायाबुसा पे। जब ये नहीं लगाना। अब बस बजा हुआ है 10:21, एकदम टाइम के साथ में हम लोग यहाँ से निकलने जा रहे हैं। बस देखते हैं क्या सिनेरियो है, फिलहाल को जाके थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसको सही कराना है सबसे पहले। तो इधर बहुत सारे नए नए भाई लोग मिले, कुछ नए दोस्त बने, बस यही होता है एक मोटो राइड का कि नए दोस्त बनाओ, इन्जॉय करो। बहुत दिन से इस राइड की तलाश थी और 2023 की राइड भी शुरू हुई है बिल्कुल ऐसे सिनेरियो के साथ में। हाँ तो अब हम लोग निकल रहे हैं, अभी हमने ग्लव्स नहीं पहने हैं, ग्लव्स आगे कहीं पहन लेंगे रुक के। तो अब हम राइड के मीटअप पॉइंट से निकल रहे हैं घर की तरफ, और क्या अमेजिंग राइड थी, मज़ा आ गया बिल्कुल। सब बच्चे खड़े होके वीडियोस बना रहे थे, और ये निकली हायाबुसा। हाँ कैसे व्लॉग करना है ये चीज तो हम भूल ही गए हैं, इतने टाइम बाद मोटो व्लॉग कर रहे हैं तो उसकी आदत पड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये जो मेरा नया सेटअप है ना, थोड़ा सा हमको अटपटा सा लग रहा है, इसकी भी आदत पड़ने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। और दीक्षांत पता नहीं निकल चुका है, आगे रुका हुआ है, बिल्कुल नहीं आइडिया, कॉल करना पड़ेगा अभी शायद से। अरे बच गए। अब न्यू ईयर आया, 2023 जनवरी स्टार्ट हुआ, भाई साहब इतनी ठंडक थी कि बाइक लेके निकलना मतलब प्राण गंवाना जैसा सीन हो गया था। तो बाइक लेके कहीं नहीं निकले। अभी जो वेदर है फरवरी की स्टार्टिंग का, एकदम ज़बरदस्त वेदर है राइड के लिए, कहीं भी घूमने जाने के लिए। तो उस वजह से पूरा जनवरी चला गया कि कहीं राइड तो नहीं जा पाए, लेकिन आज जो ये मौका मिला, कल पहले आने का प्लान नहीं था क्योंकि एक एग्ज़ाम है जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। फिर आज संडे था, क्लास पे जहाँ पे ग्रुप पे हम लोग स्टेनो लिखते हैं वहाँ पे कोई आता भी ना, मॉर्निंग की बात थी, अभी 11 बजे तक घर पहुँच जाएंगे ऐसे, यूजुअली 11 बजे तक की हम कोचिंग स्टेनो जाते थे लिखने। तुमने कहा अपने पास भाई मस्त सा टाइम है, फटाफट से राइड मिस नहीं करते, क्योंकि जो मौका ढूंढ रहे हैं वो मौका इतने दिन बाद मिला है, तो ये मौके का फ़ायदा उठाते हैं, तो भाइयों के साथ में राइड करते हैं। एकदम सही डिसीजन था भगवान की दया से। आते टाइम UP 32 ढाबा, ये जो यहाँ पे काफ़ी सारी बाइक खड़ी थी, तो हमको लगा ये सारे यहीं रुके, एक बार को तो हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू कर दिया। परफेक्ट संडे था आज मेरे लिए। इन फ्यूचर ऐसी बाइक राइड्स होंगी तो ज़रूर बेशक हम ज्वाइन करेंगे। बस एक चीज़ की आज कमी हमको खली, वो जो मेरा हैंडल बार क्लैंप था, अगर वो होता तो भाई साहब क्या ही मज़े थे, तो इतना बीच बीच में रुक के आना जाना पड़ा, ये ना करना पड़ता। नेक्स्ट टाइम जब राइड होगी तब उसका यूज़ करेंगे। और हाँ ये ब्लॉग हमको पता है बड़ा हो गया है, इसलिए दो पार्ट में इसको रखने वाले हैं हम सारे किसी ना किसी के ब्लॉग में हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम गूगल मैप बन जाते हैं और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अभी आने वाला है आगे गोसाईगंज चौराहा, और रायबरेली अगर आपको जाना है सुल्तानपुर हाईवे से होते हुए, तो आप गोसाईगंज चौराहा आके यहाँ से मोहनलालगंज के थ्रू रायबरेली निकल सकते हो। ये कॉन्स्टेंट स्पीड अच्छी लगती है, 40 से 60 के बीच में जो होती है, 58-57, इस स्पीड पर ऊब भी नहीं लगती, मज़े भी आते हैं, कोई रिस्क भी नहीं रहता, रिस्क फ्री स्पीड जिसको बोलते हैं वो ये हो सकती है 58-57-60। ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इधर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से होते हुए आप गाजीपुर आजमगढ़ जा सकते हो। हम भी अपने घर की तरफ ही निकलेंगे, तो आगे से टर्न लेंगे, किसान पथ पकड़ेंगे और सीधा रॉकेट बाराबंकी। तो ये आगे यू टर्न का साइन दिखेगा आपको, समझ में आया क्या, बस यही है अपना टर्न। और इधर पे भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जो एग्जिट है वो दे रहे हैं। अरे भाई साहब नई नई रोड बनी उस पर हम चल रहे थे, क्या पाप क्या गुनाह कर दिया हमने। हमको लगा इतनी नई रोड बनी है इसका शुभारंभ कर देते हैं, जो बना रहा है वो देखा होगा, बोला होगा अभी अभी बनाया है, तुम चल लो इस पर पहले। हमारा जो पाथ होने वाला है वो ये है,
इधर पे रुक के हम एक बार दीक्षांत को फोन कर लें कि भाई गया कहाँ वो, तो शहीद पथ से हो सकता है जाए, तो हम फोन कर लेते हैं एक बार उसको। हमको उम्मीद थी कि दीक्षांत शहीद पथ से होके जाएगा क्योंकि उसको ये रास्ता पता नहीं था किसी का। हमने कॉल किया तो उसने बोला भाई हम इकाना स्टेडियम के पास में। हमने कहा चलो ठीक है तुम शहीद पथ से निकलो, हम किसान पथ से आ रहे हैं। जिनको सुकून भरा रास्ता चाहिए, सुकून भरी राइड चाहिए, तो उनके लिए ये फेवरेट रास्ता हो सकता है किसान पथ। इतनी ज़्यादा शांति रहती है, इतना सुकून भरा माहौल रहता है इधर। अभी तो फिलहाल इधर इधर के ये पेड़ वगैरह साफ कर दिए गए हैं, वरना एक टाइम पे जब इधर भी ग्रीनरी इधर भी ग्रीनरी बहुत सही लगता था भाई। तो बेसिकली इस रास्ते पे जो इंजीनियरिंग है वो ये है कि इधर से आती है गोमती नदी, और ये जो लोग भीड़ दिख रही ना इसके उस साइड पे है इंदिरा नहर, ऊपर से नहर जाती है नीचे से नदी जाती है, तो ये इंजीनियरिंग है यहाँ पे। और भी काफ़ी सारे अच्छे काम होते हैं इधर, समझ रहे हो ना कौन से अच्छे काम की बात कर रहे हैं हम। हाँ तो बस ठीक है समझ आ गया, तो बस भूबन कोई तो हॉर्न नहीं हो रहा है, पीछे हॉर्न दे रहा है। सुबह जब हम घर से निकले थे तो मेरे हेलमेट का जो वाइजर था वो इतना ज़्यादा क्लियर था, इतना ज़्यादा क्लियर था कि एक भी स्पॉट उस पर नहीं था। हमको लगा बीच में एक जगह पे तो लगा कि भाई वाइजर खुला है या बंद है, तो हमने इसे हाथ लगा के देखा। लेकिन अभी लॉकडाउन के टाइम पे इतने ज़्यादा मच्छरों की हत्या हो चुकी है मेरे वाइजर पे, इतने ज़्यादा कीड़े मर चुके हैं, इतनी लाशें बिछी हुई हैं वाइजर पे कि सारे छींटे हमको दिख रहे हैं। मतलब इतने सारे स्पॉट हैं कि अभी घर जाके इन लाशों को थोड़ा रफा दफा करना पड़ेगा, इतनी सारी जगह पड़ी है, लेकिन इनको आगे वाइजर पे ही मरना होता है। लड़ा चट से ख़त्म, लड़ा चट से ख़त्म। वाइजर पे इतने सारे खून हो रखे हैं ना ब्रो, बता नहीं सकते। सबकी लिस्ट में कुछ ना कुछ फेवरेट रास्ते होते हैं, तो मेरी लिस्ट में ये रास्ता भी मेरा फेवरेट है। इतने खूबसूरत से रास्ते पे हमको शायरियाँ याद आ रही हैं बहुत सारी, सुना दें शायरी कुछ ऐसी है। हम फर्द नहीं इस महफिल की, हम एक मुकम्मल महफिल हैं। महफिल न रहेगी महफिल पर अगर हमको उठाया महफिल से, वाह 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 वाह। अभी वो सामने ओवर ब्रिज दिख रहा है, इस पर जब ऐसा बाइक काफ़ी 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 ज़्यादा लंबी डिस्टेंस का ये ब्रिज है, इस पर जब ऐसा बाइक या कार चढ़ती है ना तो कार में तो इतना ज़्यादा फील नहीं आता क्योंकि वो ऐसा बम से रहते हैं, लेकिन जब बाइक चढ़ती तो ऐसा लगता है भाई हम घोड़ा चला रहे हैं। अभी ऊंची ऊंची सी बिल्डिंग्स दिखने लगी होंगी, तो यानी कि हम लोग लखनऊ फैजाबाद हाईवे पे आने वाले हैं, मिलने वाले हैं। देखो ये ब्रिज नहीं चढ़ना है, ये ओवर ब्रिज नहीं चढ़ना है, ये एग्जिट ले लेना है। ये मेरे पीछे है आनंदी वाटर पार्क। गर्मियाँ आएंगी तो कोशिश करेंगे कि आके पानी में थोड़ा छम्पक छपाक करें। लास्ट टाइम नीलांश वाटर थीम पार्क गए थे, उसके बाद से तो कहीं वाटर पार्क ही नहीं गए। उसमें थोड़ा सा हमको गंदा भी लगता है, साले उसी में मुँह पाट के चले जाते हैं और उसी में हम नहाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं हम वाटर पार्क जाना। लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो फिर से वापस से लखनऊ की तरफ जाने लगे, तो नहीं सर, बीच में एक यू टर्न के लिए कट है। स्विफ्ट वाले भैया टर्न ले रहे हैं ना, वहीं पर हम भी टर्न लेने वाले हैं। मैंने आपका हाथ देखा ब्रो, ईशान भाई साहब गणेश्वर मिश्र पार्क घूम रहे हैं। कहाँ जाना है? बाराबंकी जाना है? सतरिक? चलो हम बाराबंकी तक जा रहे हैं, छोड़ दे चल के। चलो बाराबंकी आओ बैठो, छोड़ दे। बैठो 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 बैठो, चले। तो बहुत देर से हम देख रहे थे कि दादा हाथ दे रहे थे सबको, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था, तो इत्तेफाक था कि हम भी इधर ही रुके थे दीक्षांत को कॉल करने के लिए, तो हमने सोचा आप पूछें
तो दादा की नीड क्या है, तो इन्होंने बताया कि हम बाराबंकी तक जा रहे हैं, हमारे पास पैसे कम हैं, तो इसलिए हम लोगों को रोक रहे। दादा से हमने कहा कि चलो ठीक है, हम दादा आपको छोड़ देते हैं चल के। ऐसा भी दीक्षांत जनेश्वर मित्र पार्क पे ही है, तो हमने कहा कि ठीक है भाई, हम धीमे धीमे चल रहे हैं, तुम आराम से आओ, और बीच रास्ते में अगर कहीं मिल गए तो ठीक है, वरना फिर बाराबंकी में मिलते हैं। मोस्टली जब हम कहीं ऐसी जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे हमको लगता है नहीं रिस्क है, रात का टाइम हुआ तो भाई कोई हाथ देता है तो मैं नहीं रोकता, क्योंकि वो मेरी सेफ साइड है। लेकिन इंसान देख के लग जाता है कि हाँ भाई वाकई में इसको ज़रूरत है, तो इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो सबके अंदर वो फीलिंग आ जाती है कि हाँ भाई इसकी हेल्प करनी चाहिए, इसको वाकई में ज़रूरत है। तो वही चीज़ मेरे अंदर से एक फीलिंग आई कि दादा को वाकई में ज़रूरत है। चेहरा इंसान का बता देता है कि वो कितना परेशान है। ये अच्छा काम करने का मौका हमको मिला तो हम कर रहे हैं, किसी और को मिलता कोई और करता। इंसानियत इसी का नाम है। दादा को जहाँ जाना है हम वहाँ पर छोड़ेंगे, बाकी फिर अपने अपने रास्ते। दादा के और मेरे रास्ते होने वाले हैं अलग थोड़ी दूर बाद। अरे इतनी बीड़ी ना पिया करो, खांसी आ रही। अभी कह रहे हैं नहीं पियेंगे, लेकिन अभी अभी उतरते ही इनकी जलने वाली है बिल्कुल। कहाँ से? अच्छा, तो पॉलीटेक्निक से यहाँ तक पैदल आए हो? क्या नाम है गांव का? अच्छा, दादा को बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी ना, तो मैंने कहा दादा खांसी आ रही, सिगरेट अपना पिया करो ज्यादा, बीड़ी मत पियो। तो कह रहे हैं हाँ भैया अभी से बंद। अरे भाई साहब, मतलब पॉलीटेक्निक से बंदा पैदल चल के आ रहा है, कि दादा बहुत थोड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। तो दादा का मेरा साथ यहीं तक ही है। ठीक है दादा, जाओ। ठीक है दादा, जाओ। दादा अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बस अब पहुंचने वाले हैं हम घर, और होपफुली दादा भी ठीक ठाक अपने घर पहुंच जाएं। दादा बता रहे थे कि उनका लड़का है, लेकिन वो आता जाता नहीं है साथ में, मतलब इतना हरामी बच्चा पैदा किए हैं। उनका बाप पैदल इतनी दूर से आ जा रहा है, और साथ में आने जाने के लिए नहीं है, वो कहीं हॉस्पिटल गए थे अपने आप को दिखाने। तो भाई दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं साले, कि अभी मेरे मन से अंदर से गालियाँ निकल रही, लेकिन क्या ही कहें, कैमरे पे गाली तो दे नहीं सकते। दादा को ड्रॉप करने के बाद दादा की खुशी देख के बिल्कुल सुकून मिला है, वो नेक्स्ट लेवल था। चलो भाई अब हम यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर विपिन सर की शॉप पे। अच्छी लग रही, बहुत पैसा है, माल पर माल उतर रहा है। अरे ये विपिन सर की शॉप है, इधर से हमने पहले भी व्लॉग में बताया है कि जूते वूते अगर लेना हो तो इनको आप बताइए, ऑर्डर करके मंगा के आपको अच्छे प्राइस पे दे देंगे। देख रहे हो कटे सेब रख रहे हैं लोग। सितंबर में कम से कम 13 ले लें। अभी व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं, अगर अभी तक की व्लॉग देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो चैनल डेट सीरीज, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून फॉर मोर न्यू व्लॉग। और तब तक के लिए बाय बाय। तो बंद करते हैं कैमरा, थोड़ी देर इनसे गुफ्तगू करते हैं।